जो तेल की बात करें, अगर हम खनिज तेल की बात करें तो खनिज तेल हम किसे कहते हैं? तो जो खनिज तेल है वो आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी की आंतरिक परतों में पाया जाता है। हमारी पृथ्वी के जो ऊपर की सतह है इसके अंदर विभिन्न सैलों के बीच में जो सैल क्या है, परत। ओके, तो इतना ही समझ लीजिए, परतों के अंदर स्टोर होता है। जैसे कि मानते हैं कोई अवसादी चट्टान है, ये क्या है, ये अवसादी चट्टान है इस तरह से, और इस चट्टान के बीच में एक दूसरी भी सैल है, मतलब दूसरी परत है। ओके, इस तरह से मानते हैं कोई चट्टान है। ओके, फिर इसके अंदर कोई, फिर इस तरह से परतों के रूप में चट्टाने हैं। ये कौन सी चट्टाने हैं, अवसादी चट्टाने हैं। अब इनके बीच में इस तरह से रिजर्व पाए जाते हैं, इस तरह से रिजर्व पाए जाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से एक पाइपलाइन डालते हैं। ओके, अब पाइपलाइन डाल करके हम इस क्रूड ऑयल को यहाँ से निकाल लेते हैं, और फिर इसको ले जा करके हम किसी में पाइपलाइन के माध्यम से, या फिर हम एक इस तरह से कंटेनर लेते हैं, उसमें भरते हैं, और भरने के बाद हम इसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं किसी भी चीज के माध्यम से, चाहे हम वो पाइपलाइन के माध्यम से कर दें, या फिर हम ट्रकों का उपयोग कर सकते हैं, रेलगाड़ी का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं। और फिर वो जाता है शोध केंद्र के अंदर, रिफाइनरी के अंदर जाता है। फिर उसके अंदर से हम विभिन्न प्रकार के तेलों को निकालते हैं, फिर उसका उपयोग हम ट्रांसपोर्ट में करते हैं और औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। विभिन्न कार्यों से, अलग अलग कार्यों से हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन खनिज तेल हम आखिर किसे बोलेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं खनिज तेल हम किसे बोलेंगे। देखिए खनिज तेल है वो क्या है, तो खनिज तेल आपको देखने को मिलेगा कार्बन। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बो हाइड्रेट, और जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा है। ओके, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ओके, ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। ओके, कार्बनिक पदार्थ है। ओके, यही कार्बनिक पदार्थ, देखिए कार्बनिक पदार्थ किस किस के अंदर पाए जाते हैं तो आपको पता होगा, जैसे हम लोगों के अंदर प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसी तरह से जितने भी जीव जंतु हैं उनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, इसी तरह से पेड़ पौधे के अंदर भी पाई जाती हैं। तो ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। इन कार्बनिक पदार्थों का समय के साथ में विघटन होता है। जैसे हम लोग मर जाते हैं, तो हम लोग जब मर जाते हैं तो हम मिट्टी में, हमको दफन कर दिया जाता है, और मिट्टी में दफन कर दिया जाता है तो हमारा जो शरीर होता है वो हल्के हल्के डिकम्पोज होना प्रारंभ हो जाता है, और फिर जा करके जीवाश्म बन जाता है। लेकिन जीवाश्म कैसे बनता है, जीवाश्म बनने के लिए एक प्रक्रिया का होना जरूरी है जिसे हम बोलते हैं विघटन। ओके, क्या जरूरी है, यहाँ पर विघटन जरूरी है, यानी कि विघटित कार्बनिक पदार्थ तो जो होता है, विघटित कार्बनिक पदार्थ तो होता है। ओके, उसी से क्या बनता है, जीवाश्म बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे जीवाश्म क्या है, आपसे कोई पूछे जीवाश्म क्या है, तो आपको बोलना है जो विघटित कार्बनिक पदार्थ है वही क्या है, जीवाश्म। जीवाश्म क्या है, विघटित कार्बनिक पदार्थ को ही जीवाश्म बोलते हैं। तो कौन सा विघटित कार्बनिक पदार्थ है, तो आपको बोलना है जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, उसी का जो विघटित रूप है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, इंटरलिंक करते हुए पढ़ना है। ओके, ये क्या आ गया यहाँ पर रास्ते में इसको। ओके, एक सेकंड रुकिएगा, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, अब देखिए कोई भी कार्बनिक पदार्थ है वो विघटित होकर क्या बन गया, जीवाश्म बन गया। लेकिन जीवाश्म है वो दो रूपों में परिवर्तित हो सकते हैं। ये जीवाश्म किसका हो सकता है, या तो ये जीवाश्म किसी पौधे का होगा, मतलब पेड़ पौधे होते हैं वो भी तो जीवाश्म ही होते हैं। ओके, तो पेड़ पौधों का जीवाश्म हो सकता है, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा किसी जीव का जीवाश्म हो सकता है, जैसे कि मानव हो सकता है, भैंस हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, भैंस हो सकती है, भैंसा हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, मतलब जीव के अंदर कोई हो सकता है, या फिर कोई भी पौधा होगा, पेड़ पौधा, घास होगी, उसका भी जीवाश्म हो सकता है। देखिए जो पेड़ पौधे हैं, जो वो कार्बनिक पदार्थों का विघटन होकर के जीवाश्म बनता है पेड़ पौधों से, तो उससे बनता है कोयला। उससे क्या बनता है, कोयला बनता है। लेकिन जो जीव होते हैं उनका अगर कार्बनिक विघटन होता है और उससे किसी जीवाश्म का निर्माण होता है, तो उस जीवाश्म से बनता है आपको देखने को मिलेगा खनिज तेल। खनिज तेल बनता है, कौन सा खनिज तेल, अपरिष्कृत खनिज तेल, जिसको बोलते हैं क्रूड ऑयल बोलते हैं, या फिर यहां पर बनती है
नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस यानी कि आप लोग बड़े मौज से जिस तेल का उपयोग कर रहे हैं, जिस पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, जिस डीजल का उपयोग कर रहे हैं, वो कभी किसी जीव के ही अवशेष हैं। मतलब किसी जीव है ना, उसी को आप एक तरह से जला रहे हैं। ओके, किसको जला रहे हैं? जीवों को ही जला रहे हैं, क्योंकि वो ही क्या है, जीवों का कार्बनिक विघटन होकर के जो जीवाश्म बना है वो आज लाखों सालों में जा करके किसी तेल या फिर किसी गैस में कन्वर्ट हो गया है, और फिर हमने उसको शोध करके पेट्रोल डीजल और जो क्रोयोसीन होता है और इनमें कन्वर्ट करके हम इसका उपयोग करने लगे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर बात आती है खनिज तेल और साथ में जो प्राकृतिक गैस है इसकी बात आती है, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में जाने का प्रयास करते हैं। देखिए जो नेचुरल गैस होती है, देखिए जो जीवाश्म होता है, जो जीवाश्म होता है, ओके, तो देखिए यहाँ पर जो अभी हम यहाँ पर एंड किए थे वहां से ही प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, इसीलिए हम आगे पेज पर जंप करके आप लोग नीचे ही लाइन खींच के लिख लीजिएगा। देखिए देखिए अगर एक कोई जीव है, एक जीव है, वो उसमें क्या होगा, विघटन होगा, कार्बनिक विघटन होगा, और क्या बन जाएगा, जीवाश्म बन जाएगा। तो वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है, वो हो सकता है अपरिष्कृत परिष्कृत खनिज तेल में कन्वर्ट हो सकता है, खनिज तेल में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको बोलते हैं क्रूड मिनरल ऑयल, क्रूड मिनरल ऑयल के नाम से जिसको जानते हैं, ओके, ऑयल के नाम से जिसको जानते हैं। और हो सकता है कोई जीव है उसका कार्बनिक विघटन हुआ तो वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो सकता है, किसमें कन्वर्ट हो सकता है, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो सकता है, प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए अगर किसी जीवाश्म के अंदर, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी जीवाश्म के अंदर कार्बन है, एक से लेकर के चार कार्बन अगर उसके अंदर हैं, तो वो किस अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होगा, किस अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होगा। अगर किसी के अंदर कार्बन की संख्या आपको 5 से लेकर के 15 तक कार्बन अगर उसके अंदर पाए जाते हैं, तो वो किस स्टेज में होगा, तरल अवस्था में होगा, मतलब लिक्विड स्टेज में होगा, किस अवस्था में होगा, लिक्विड स्टेज में होगा, यानी कि तरल अवस्था में होगा। अगर किसी के अंदर कार्बन की जो संख्या है वो 15 से प्लस है, कार्बन की संख्या कितनी है, 15 से प्लस है, तो वो किस अवस्था में होगा, सॉलिड अवस्था में होगा, यानी कि ठोस अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। ओके, किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर कोई जीव है वो किसमें कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ खनिज तेल के अंदर, किसमें कन्वर्ट हुआ, खनिज तेल के अंदर, तो हम खनिज तेल का हम डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, इसी के लिए हम जिस नाम से जानते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक खनिज तेल बोलते हैं, या फिर अपरिष्कृत खनिज तेल बोलते हैं, या फिर क्रूड ऑयल बोलते हैं। इसी को निकाल करके हम कहाँ भेजते हैं, रिफाइनरीज के अंदर भेजते हैं। ओके, किसके अंदर भेजते हैं, रिफाइनरीज के अंदर भेजते हैं, मतलब इस ऑयल को, इस खनिज तेल को, खनिज तेल को हम उपयोग करने के लिए, यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे अपने अनुसार कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमें कहाँ भेजना पड़ता है, इसे शोधन के लिए भेजना पड़ता है। और देखिए हम शोधन इसका करते हैं, ओके, तो शोधन करते हैं तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन द्वारा द्वारा हम इसका क्या करते हैं, शोधन करते हैं। ओके, तो शोधन करके हम क्या कर देते हैं कि हाइड्रोकार्बन के जो इसके अंदर हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, हाइड्रो कार्बन के घटकों का एक दूसरे से अलग करने की प्रक्रिया, हाइड्रोकार्बन के घटकों का एक दूसरे से अलग करने की प्रक्रिया की प्रक्रिया को ही खनिज तेल शोधन कहते हैं,
खनिज तेल तेल शोधन कर शोधन कहते हैं, मतलब इसमें कहते हैं यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको हाइड्रोकार्बन के अंदर विभाजित कर देते हैं। देखिए इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन एक चीज यहाँ पर लिख लीजिए खनिज तेल के बारे में कि खनिज तेल है वो कहाँ पर मिलता है आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अभी शोधन के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके, देखिए अगर हम खनिज तेल की बात करें तो खनिज तेल है वो कहाँ पाया जाता है, अभी हम आपको बताए थे पृथ्वी के आंतरिक परतों में, जो आंतरिक परतें हैं तो आंतरिक परतों में उपस्थित हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को क्रूड ऑयल कहते हैं या फिर अपरिष्कृत खनिज तेल कहते हैं, खनिज तेल कहते हैं। ओके, अब देखिए अभी हम आपको पढ़ाए थे मतलब बताए थे कि इस शोधन के बारे में, आखिर इस शोधन में क्या किया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। चलिए हम इस प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, तो बहुत ही सिंपल इसकी प्रक्रिया देखने को मिलेगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए आपको बताते हैं किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। तो देखिए जो खनिज तेल शोधन केंद्र होते हैं, खनिज तेल शोधन केंद्र होते हैं, शोधन केंद्र होते हैं, ओके, तो इसमें हाइड्रोकार्बन में कार्बन के परमाणुओं में वृद्धि होती है, परमाणुओं में वृद्धि होती है। ओके, तो देखिए इससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं, इससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बन के यौगिक प्राप्त होते हैं। ओके, अगर देखिए हाइड्रोकार्बन के जो यौगिक होते हैं अगर उनका मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, गलनांक। ओके, ध्यान से सुनिएगा, यहां से ही आपके अप्रोच बनेगा। देखिए अगर किसी जो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि गलनांक बिंदु है, क्या है, गलनांक बिंदु है, अगर वो बढ़ता है मतलब उसका गलनांक बिंदु है मतलब मेल्टिंग पॉइंट अगर वो जाता है उसके अंदर और साथ में उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसकी ऊर्जा दक्षता क्या होगी, उसकी ऊर्जा दक्षता कम होगी। ध्यान से सुनिएगा, उसकी ऊर्जा दक्षता है क्या होगी, कम आपको देखने को मिलेगी। ओके, अगर उसकी ऊर्जा दक्षता है वो कम होगी, ओके, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर पर्यावरण प्रदूषकों की मात्रा अधिक होगी। ओके, अब देखिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो अधिक ताप पर हमें जो पदार्थ प्राप्त होंगे, अधिक ताप पर जो हमें पदार्थ प्राप्त होंगे जिनका यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उनकी ऊर्जा दक्षता क्या होगी, उनकी ऊर्जा दक्षता कम होगी और उनके दहन से पर्यावरण प्रदूषण भी ज्यादा होगा। ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर हमारे पास में क्रूड ऑयल है तो हम उससे अलग अलग पदार्थ है वो कैसे निकालेंगे, तो आपको बताते हैं, कुछ नहीं होता है, एक इस तरह से एक भट्टी होती है, देखिए इस तरह से एक भट्टी होती है, क्या होती है, इस तरह से एक भट्टी होती है और इसमें एक इधर से पाइप लगा होता है, इस तरह से एक पाइप लगा होता है, इस पाइप के माध्यम से क्रूड ऑयल को भेजा जाता है, इस पाइप के माध्यम से क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को भेजा जाता है, मतलब जो अपरिष्कृत खनिज तेल है उसको हम इसके अंदर से भेजते हैं।
अब देखिए इस भट्टी, ये भट्टी होती है, ये लंबवत भट्टी होती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा तापमान में गिरावट आती है। यानी कि जैसे जैसे इस भट्टी में ऊपर की ओर आप जाएंगे तो तापमान में गिरावट आती है। यानी कि नीचे हमें वो पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऊपर हमें वे पदार्थ देखने को मिलेंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। यानी कि ये इस तरह से एक तरह से आपको देखने को मिलेगा, कई पार्ट में आप लोग इसको डिवाइडेड देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तापमान पर अलग अलग पदार्थ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए अगर जैसे कि मानते हैं कोई खनिज तेल है, क्या है, खनिज तेल है। अब मानते खनिज तेल है वो तो क्या होगा, एक मिक्स होगा ना, खनिज तेल है और इस ये मानते हैं खनिज तेल, ओके, और इसके अंदर मानते हैं इस खनिज तेल के अंदर तीन पदार्थ, फॉर एग्जाम्पल क्या मान लेते हैं, इसके अंदर तीन पदार्थ है वो आपस में घुले हुए हैं। कौन कौन से है, एक्स है, वाई है और जेड है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए तीन पदार्थ हैं, एक्स वाई जेड तीन पदार्थ हैं। तब हम इसे क्या करेंगे, हम एक प्रकार की भट्टी लेंगे और उसमें क्या होगा, एक कंटेनर होगा। इस कंटेनर को हम क्या करेंगे, इस तरह से इस कंटेनर के अंदर इस क्रूड ऑयल को भेजेंगे, क्या करेंगे, इस क्रूड ऑयल को हम भेजेंगे और इस चैम्बर का टेम्परेचर कितना होगा, 200 डिग्री सेल्सियस इस चैम्बर का टेम्परेचर होगा। क्या होगा, इस चैम्बर का टेम्परेचर क्या है, 200 डिग्री सेल्सियस है। और जो ये खनिज तेल है जो आपको देखने को मिलेगा, एक खनिज तेल है, इसमें से जो एक्स इंग्रेडिएंट इसके अंदर पाया जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस है। और जो बाई वाला है ये मानते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर, हमको 300 डिग्री सेल्सियस अगर हम इसका तापमान बढ़ाएंगे तब ये मेल्ट कर जाएगा और मेल्ट करके क्या होने लगेगा, ये उबलने लगेगा, ओके। और मानते हैं जो बाई वाला इंग्रेडिएंट है ये 400 डिग्री सेल्सियस पे हमको प्राप्त होता है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। अब देखिए जब एक क्रूड ऑयल इसके अंदर जाएगा, क्या करेगा, क्रूड ऑयल इसके अंदर जाएगा तो इसमें 200 डिग्री तापमान है, तो इसमें से क्या होगा, हम एक्स वाला पदार्थ है ये क्या होगा, उबलने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा। अब जब ये मेल्ट करेगा और साथ में बॉइल करेगा तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से इस पदार्थ को अलग कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मानते हैं ये दोनों है, ये ठोस अवस्था में रहेंगे, यानी कि उसी अवस्था में रहेंगे, लेकिन एक पदार्थ क्या करेगा, इसमें से अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स पदार्थ है, एक्स इंग्रेडिएंट है, वो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इसमें क्या बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाई और जेड बचेंगे, क्योंकि इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो 200 से अधिक पर है, लेकिन इस कंटेनर का टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कंटेनर में भेजेंगे, एक और हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर की हमारे पास में कमी नहीं है, ओके, कंटेनर की हमारे पास में क्या है, कमी नहीं है। और मानते हैं इस कंटेनर का तापमान कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 400 डिग्री से कम है मानते हैं, ओके, 400 डिग्री से कम है मानते हैं। तो हम क्या किए, अब देखिए इसमें x, y और z बचे थे, अब y का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या बाहर आएगा, यहाँ पर y इंग्रेडिएंट है वो बाहर आएगा और शेष हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, z बचेगा, ओके। और अगर इसके अंदर अशुद्धियां भी हैं तो हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट कंटेनर में भेजेंगे जिसका टेम्परेचर क्या होगा, 400 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ पर क्या निकल आएगा, जेड बाहर निकल आएगा और शेष बचेगा वो क्या होंगी, अशुद्धियां होंगी। अगर इसके अंदर शेष कुछ बच जाता है वो हमारे पास में अशुद्धियां होंगी। तो इस तरह से ही हम खनिज तेल का शोधन करते हैं, अलग अलग तापमान पर हमें अलग अलग यहाँ पर पदार्थ मिलते हैं। तो देखिए इस तरह से वो कुछ चैम्बर आपको देखने को मिलेगा, इस तरह की वो भट्टी कुछ आपको देखने को मिलेगी। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा तो आप लोग एक बार देखिएगा, देखिए जब हम क्रूड ऑयल को यहाँ से क्या करते हैं अंदर डालते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पर हमको प्राप्त होता है फ्यूल ऑयल है वो प्राप्त होता है। इसका उपयोग हम बड़े बड़े सिप्स हैं उनको चलाने में करते हैं, फैक्ट्रीज हैं उनको चलाने में करते हैं। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लुब्रिकेंट ऑयल है उनका उपयोग, इनका उपयोग किसमें किया जाता है, चिकनावट के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर मूवी ऑयल डाला जाता है, ग्रीस का उपयोग किया जाता है, वो क्या होता है, वो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है, ओके। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे फिर हमको प्राप्त होता है डीजल, तो डीजल का उपयोग हम बड़े बड़े वाहन को चलाने में करते हैं, जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रक को चलाने में हम
हम डीजल का उपयोग करते हैं, ट्रेन को चलाने में हम डीजल का उपयोग करते हैं, बड़ी बड़ी जो कार्स होती हैं उनको भी चलाने में हम डीजल का उपयोग करते हैं। फिर आप थोड़ा सा ऊपर और जाएंगे तो आप देखेंगे हमको केरोसिन मिलता है, इसको पैराफिन भी बोलते हैं। इस पैराफिन यानी कि जो केरोसिन होता है इसका उपयोग हम जेट को चलाने में करते हैं, जो जेट जेट होते हैं और साथ में जो प्लेन होते हैं उनको उड़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, केरोसिन का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तापमान में कमी आ रही है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा दक्षता है वो बढ़ती चली जाती है। क्या होती है, ऊर्जा दक्षता है वो बढ़ती चली जाती है, यानी कि हमें जो ऊपर की चीजें प्राप्त हो रही हैं वो पर्यावरण को कम प्रदूषण करेंगी। तो आपको ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में हमको प्राप्त होता है गैसोलीन, गैसोलीन को दूसरी भाषा में पेट्रोल बोलते हैं, तो पेट्रोल फिर हमको प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में हमको नेफ्टा प्राप्त होता है, इसका उपयोग केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। फिर उसके बाद में हमको गैस गैस प्राप्त होती है, ओके, जिसका उपयोग हम एलपीजी गैस सिलेंडर के रूप में उपयोग करते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। कार्बन की मात्रा आप लोग देख सकते हैं 1 से 4, तो ये गैसीय अवस्था में पहुंच गया ना। देखिए 5 से 9 ये आपको नेफ्टा देखने को मिलेगा, और आप देख सकते हैं कि पेट्रोल के अंदर कार्बन की जो संख्या होती है वो 5 से 10 के बीच में होती है, और केरोसिन में आपको देखने को मिलेगा 10 से 16 होती है। इसी तरह से आपको डीजल देखने को मिलेगा, लुब्रिकेंट देखने को मिलेगा, और इधर और लास्ट में जो बचता है जिसको कोल टार बोलते हैं, इसका उपयोग हम किसमें कर लेते हैं, कोल टार लास्ट में बचता है, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पर कोल टार प्राप्त होता है, और इसके अंदर कार्बन की संख्या आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। कार्बन की संख्या क्या होती है, 70 के करीब में होती है। तो आपको देखते हैं कोल टार कैसा होता है, ठोस होता है, बहुत गाढ़ा होता है। तो हमने कहा भैया ये बहुत गाढ़ा है, इससे रोड बना दो, तो डंबर रोड जो बनाया जाता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोगों के लिए एक मैप है वो बनवा देते हैं, लिख लीजिए खनिज तेल में हमको क्या क्या किस तरह से प्राप्त होता है। तो देखिए इस तरह से जब खनिज तेल का हम शोधन करते हैं, खनिज तेल का हम शोधन करते हैं तो देखिए हमको बहुत कुछ मिलता है। सबसे अधिक तापमान पर हमको क्या मिलता है, हमको कोल टार मिलता है, ओके, क्या मिलता है, कोल टार मिलता है, कोल टार मिलता है, ओके। इसका उपयोग हम किस में करते हैं, रोड को बनाने में करते हैं, डंबर रोड जो आपने देखा होगा वो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जितने भी जो रोड हैं जो कोल टार काला काला होता है वो यही होता है, ओके, ये प्राप्त होता है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सबसे अधिक टेम्परेचर में प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या इसके अंदर होगी, ओके, इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या देखने को मिलेगी, ओके। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आपको लुब्रिकेंट ऑयल देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्रीस हो गया, मोबी ऑयल हो गया, मतलब बहुत ज्यादा चिकना होता है, जो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है मोबी ऑयल आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल आपको देखने को मिलेगा, ओके। इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, हम घर्षण को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिससे मशीन भी बहुत ही स्मूथ चलती रहती है और उनके अंदर घर्षण की क्रिया होती है वो हम मिनिमाइज कर देते हैं, ओके। इसके अलावा इसके बाद हमको क्या प्राप्त होता है, इसके बाद हमको देखने को मिलेगा डीजल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, डीजल, ओके, हमको प्राप्त होता है डीजल, ओके। अब डीजल का उपयोग हम किसमें करते हैं, डीजल का उपयोग हम बड़े बड़े जो वाहन होते हैं उनको चलाने में करते हैं। देखिए डीजल है आपको देखने को मिलेगा, डीजल है उस वो सबसे ज्यादा मात्रा में हमको प्राप्त होता है, इसीलिए हमने सोचा हम इसका उपयोग है वो इंडस्ट्री में कर सकते हैं, बड़े बड़े वाहनों को चलाने में कर सकते हैं, इसीलिए डीजल का उपयोग है वो इन चीजों में किया जाता है। फिर इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमको प्राप्त होता है केरोसिन, केरोसिन, केरोसिन की ऊर्जा दक्षता भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो केरोसिन ऑयल है, इसका उपयोग हम किसमें करते हैं, एविएशन सेक्टर में हम करते हैं, मतलब जो विमानन वाहन होते हैं जैसे कि एरोप्लेन हो गया, जेट प्लेन हो गया, उनके अंदर हम केरोसिन ऑयल का उपयोग करते हैं, इसको दूसरी भाषा में पैराफिन भी बोलते हैं, ओके, पैराफिन ऑयल भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, पैराफिन ऑयल भी इसको बोलते हैं, ओके। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ओके, हमारे पास जगह नहीं, आप लोगों के लिए यहाँ पर ही लिखना है, इसी चीज को हम आगे इस तरह से बढ़ा रहे हैं, ओके, नहीं दूसरे पेज पर ही बना देते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए वो कंटिन्यू रखनी है, वो ये वाली लाइन कंटिन्यू रखनी है, ओके। तो देखिए इसके बाद अभी हमें क्या प्राप्त हुआ था, केरोसिन लिखे थे या हम लोग पेट्रोल लिखे थे, केरोसिन,
केरोसिन के बाद आपको देखने को मिलेगा हमको पेट्रोल प्राप्त होता है। ओके, पेट्रोल जो आप लोग स्कूटी में अपनी केटीएम में डाल करके चलाते हैं, अपने बुलेट में डाल करके चलाते हैं, वो आपको पेट्रोल प्राप्त होता है और इसी के लिए गैसोलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको गैसोलीन बोलते हैं। ओके, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको पेट्रोलियम प्राप्त होता है। पेट्रोलियम, ईथेन, जो पेट्रोलियम ईथेन है वो हमको प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में हमको प्राप्त होता है पेट्रोलियम गैस प्राप्त होता है, पेट्रोलियम गैस प्राप्त होती है। ओके, तो देखिए आप जैसे जैसे इधर से इधर की ओर आएंगे, जैसे जैसे आप इधर से इधर की ओर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, ये जो हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं, इनके अंदर कार्बन के परमाणुओं की संख्या कम होने लगती है। मतलब कार्बन की संख्या क्या होने लगती है, कम होने लगती है। कार्बन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती चली जाती है। अगर कार्बन और इनके जो परमाणुओं की संख्या कम हो रही है तो साथ में आपको देखने को मिलेगा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। ओके, इनका मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, कम होता है। अगर जैसे जैसे हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और साथ में परमाणुओं की संख्या है वो कम होती जा रही है। तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी ऊर्जा दक्षता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा इनकी ऊर्जा दक्षता भी बढ़ती चली जाएगी। क्या होगी, ऊर्जा दक्षता है वो भी बढ़ती चली जाएगी। अगर इनकी ऊर्जा दक्षता है वो बढ़ रही है तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ऊर्जा दक्षता इनकी बढ़ रही है तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पर्यावरण में कम प्रदूषण करेंगे, मतलब प्रदूषकों को कम उत्सर्जित करेंगे, मतलब पर्यावरण को कम प्रदूषित करेंगे। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम पेट्रोलियम गैस की बात करें, जिसको आप लोग जानते होंगे CNG के नाम से जानते होंगे, तो चलिए हम लोग इसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए अगर हम पेट्रोलियम गैस की बात करें, पेट्रोलियम गैस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो पेट्रोलियम गैस है इसमें आपको देखने को मिलेगा एलपीजी। ओके, एलपीजी है वो, देखिए एलपीजी को हम ठोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर एलपीजी गैस है तो हम इसे ठोस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसका क्या करें, प्रेशर है वो बढ़ा दें और टेम्परेचर है वो क्या कर दें, कम कर दें। तो देखिए हम किसी भी पदार्थ को गैस फॉर्म से, ओके, गैस फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, उसे लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, उसका प्रेशर और बढ़ा दें और टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम कर दें, या फिर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो हम उसे लिक्विड से सॉलिड में ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में ला सकते हैं। तो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि हम गैस को कई फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए जो एलपीजी है इसमें आपको देखने को मिलेगा मीथेन और साथ में आपको देखने को मिलेगा ईथेन। ओके, और साथ में आपको देखने को मिलेगा पेराफीन और आपको देखने को मिलेगा ब्यूटेन। ओके, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी जिससे एलपीजी का निर्माण होता है। और आपको देखने को मिलेगा जो पेराफीन और ब्यूटेन है इनकी जो दक्षता है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, मतलब इसके अंदर परसेंटेज भी ज्यादा होता है, इसकी ऊर्जा दक्षता भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी पेराफीन और ब्यूटेन। ओके, तो आपको ध्यान रखना है मीथेन से भी एलपीजी गैस बन सकती है और ईथेन से भी हम एलपीजी गैस बना सकते हैं, पेराफीन और ब्यूटेन से भी हम एलपीजी गैस का निर्माण कर सकते हैं। तो इन सभी तत्वों से क्या कर सकते हैं, हम इसका निर्माण कर सकते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए अगर हमें इसका मैनेजमेंट करना है तो हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, देखिए हम दो चीजें देखते हैं। जब हम खनिज तेल का शोधन करते हैं तो सबसे बड़ी मात्रा में हमको क्या प्राप्त होता है, तो उसकी आपूर्ति भी तो ज्यादा होगी। तो देखिए पेट्रोल है वो हमको कम प्राप्त होता है, तो हमने अपनी नीति बनाई कि पेट्रोल है, एक तो उसकी ऊर्जा दक्षता ज्यादा है और साथ में आपको देखने को मिलेगा पेट्रोल है वो कम मात्रा में प्राप्त होता है, तो हमने कहा कि भाई इसका उपयोग हम छोटे वाहनों को चलाने के लिए करेंगे।
और इसलिए इसको थोड़ा सा महंगा भी रखा जाता है क्योंकि इसकी ऊर्जा दक्षता ज्यादा है। और साथ में हम क्या कर सकते हैं, इससे हम आम जनता को भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि स्कूटी हो गया, कार हो गई और साथ में मोटरसाइकिल हो गई, ऐसी चीजों को चलाने में हम पेट्रोल का उपयोग कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल लगता है कि आपको देखने को मिलेगा कि जो मांग है एवं आपूर्ति है इसको ध्यान में रखते हुए हम इसके उपयोग की नीति बनाते हैं। उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर नीति बनाते हैं। ओके, अगर ये सोचिए पेट्रोल को डीजल को दे दिया जाता लोगों के लिए, सोचो डीजल को दे दिया जाता लोगों के लिए कि आप मोटरसाइकिल दौड़ाओ तो उसकी कॉस्ट क्या रहती, कम रहती, और पेट्रोल हम दे देते उद्योगों के लिए जो इंडस्ट्री है उनको दे देते तो उनको क्या मिलता, वो महंगे दाम पर मिलता। इससे क्या हो जाती है, सभी सेवाएं वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और पेट्रोल का क्राइसिस भी हो जाता क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी कम मात्रा में है, तो कम मात्रा में होने के कारण उसका क्राइसिस होता तो औद्योगिक क्षेत्र और तीव्रता से क्या होता, प्रभावित होता, वस्तुओं के प्राइस होते वो और तेजी से बढ़ते। तो हमने क्या देखा, पहले तो हमने आपूर्ति देखी कि हमारे पास ज्यादा क्या है, दूसरे हमने देखी डिमांड, किस सेक्टर में कितनी डिमांड है, तो उसके अनुसार हमने क्या कर दिया, उसका डिवाइडेशन कर दिया और ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, उसी के अनुसार फिर इंजन है वो मॉडिफाई किए जाते हैं। वैसे डीजल से भी गाड़ियां चल सकती हैं और पेट्रोल से भी चल सकती हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया कि पेट्रोल से छोटे वाहन चलाएंगे और हम डीजल से बड़े वाहन चलाएंगे और औद्योगिक क्षेत्र में भी हम इसका उपयोग करेंगे। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो देखिए अगर हमें ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई भी गाड़ी है, अगर हम इसके उपयोग की नीति बनाते हैं तो हम चाहेंगे ना हम कम से कम तेल में, कम से कम तेल में हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले ले, यानी कि ऊर्जा दक्षता बढ़ाने की बात की जाती है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ऊर्जा दक्षता की, तो देखिए आपको देखने को मिलेगा अगर हमें ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है, अगर हमें ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए हम कई सारे जो नीतियां हैं उनको अपनाते हैं। तो एक आपको देखने को मिलेगा अगर हमें ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, इंजन के अंदर नॉकिंग को कम करना होगा। इंजन के अंदर क्या करना होगा, नॉकिंग वाला जो सिस्टम होता है वो कम करना होगा, कि क्या करना होगा इंजन के अंदर, ओके, नॉकिंग को कम करना होगा, नॉकिंग को क्या करना होगा, कम करना होगा। ओके, और देखिए नॉकिंग को अगर हम कम कर दिए, किसी भी प्रकार से अगर हम नॉकिंग को कम कर दिए तो आपको देखने को मिलेगा उस इंजन की ना केवल ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी बल्कि उसकी आयु भी बढ़ जाएगी। ओके, उस इंजन की क्या हो जाएगी, आयु भी बढ़ जाएगी, आयु भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो देखिए इस नॉकिंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 13 एथलीट का उपयोग करते हैं, 13 एथलीट का उपयोग करते हैं। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TEC बोलते हैं। ओके, TEC क्या है, ये एंटी नॉकिंग एजेंट आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, एक एंटी नॉकिंग एजेंट की भांति काम करता है जो इंजन के अंदर नॉकिंग को कम कर देता है। नॉकिंग क्या होता है, आपने देखा होगा जब इंजन चलता है तो इंजन चलने के क्रम में वो कुछ सेकंड के ऐसे कुछ क्षण का, मतलब वो सेकंड नहीं होता है, वो नैनो सेकंड के अंदर आता है, वो थोड़ा सा नॉक करता है, मतलब ब्रेक लेता है। तो उसको हम जितना कम कर देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, दक्षता उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो TEC का उपयोग करते हैं हम। ओके, जो एंटी नॉकिंग एजेंट है, नॉकिंग एजेंट है। ओके, तो देखिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम इसका उपयोग ईंधन में करते हैं। इसका उपयोग किस में करते हैं, हम ईंधन में करते हैं। किस में करते हैं, ईंधन में करते हैं। और देखिए ईंधन है वो दो तरह का मुख्यता आपको देखने को मिलेगा, एक तो आपको पेट्रोल है वो बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है और दूसरा आपको देखने को मिलेगा डीजल। तो चलिए दोनों में बताते हैं कि हम इस नॉकिंग को कम करने के लिए हम जो एंटी नॉकिंग एजेंट है हम कैसे किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पर ही लिखना है। तो ईंधन के अंदर हम नॉकिंग को कम करने के लिए हम दो तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए अगर हमें जो डीजल है तो देखिए डीजल की ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करनी है, डीजल की ऊर्जा
दक्षता में वृद्धि करनी है, मतलब हमें इसकी दक्षता को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इस डीजल के अंदर हम इसके अंदर क्या कर देंगे, सीटेन नंबर को बढ़ा देंगे। ओके, क्या कर देंगे, सीटेन नंबर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, अगर हम पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाना चाहते हैं, पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर पूरा नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर जा करके कनेक्ट हो जाएगा, देखिए इसकी दक्षता को बढ़ाना चाहते हैं, दक्षता को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें ऑक्टेन नंबर को बढ़ाना होगा, ऑक्टेन नंबर को बढ़ाना होगा। देखिए जब हम ऑक्टेन नंबर को बढ़ाते हैं, ओके, तो आप जब भी कभी पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे, वो आपसे पूछेगा कि आप प्रीमियम पेट्रोल डलाना चाहते हैं या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डलाना चाहते हैं, या आखिर एक्स्ट्रा प्रीमियम का मतलब क्या है, जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल बोलते हैं। प्रीमियम पेट्रोल क्या होता है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा कम मात्रा में यहाँ पर ऑक्टेन नंबर उसका होगा, और बहुत अधिक अगर उसका ऑक्टेन नंबर है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम बोलते हैं। ओके, इस एक आपको देखने को मिलेगा प्रीमियम पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल देखने को मिलेगा। ओके, और आपको एक देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, एक्स्ट्रा प्रीमियम प्रीमियम पेट्रोल देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल में क्या होता है, ऑक्टेन नंबर अधिक होता है। ऑक्टेन नंबर आखिर कैसे अधिक किया जाएगा, अभी आप लोगों के लिए बताएंगे। और इसी तरह से सीटेन नंबर है, वो आपको अधिक देखने को मिलेगा। तो देखिए डीजल भी दो तरह का होता है, एक आपको देखने को मिलेगा प्रीमियम डीजल, प्रीमियम डीजल आपको देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा एक एक्स्ट्रा प्रीमियम डीजल, एक्स्ट्रा प्रीमियम डीजल आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक क्या है, प्रीमियम डीजल है, दूसरा आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम डीजल देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा प्रीमियम डीजल हम किसे बोलते हैं, जिसके अंदर सीटेन नंबर अधिक होता है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर हमें पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाना है तो हमें सीटेन नंबर को बढ़ाना होगा, नहीं सीटेन नंबर को नहीं, बल्कि हमें ऑक्टेन नंबर को बढ़ाना होगा। लेकिन आखिर हम इसको कैसे बढ़ाएंगे, देखिए इस जो ऑक्टेन नंबर है हम इसे मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, आप कहेंगे 100% ऑक्टेन नंबर कर दो, नहीं 100% नहीं, तो ऊर्जा दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए ऑक्टेन नंबर हो या फिर सीटेन नंबर हो, कुछ भी ले लीजिए, ऑक्टेन नंबर या फिर सीटेन नंबर आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसके जो अगर हम ऑक्टेन नंबर है वो 1% से लेकर के अगर हम 40 से 50% आपको देखने को मिलेगा, 40 से 50%, तो 50% ही ले लेते हैं, और 50 से यहाँ पर 100% ले लेते हैं। ये क्या है, जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। ओके, ऑक्टेन नंबर या जो सीटेन नंबर है, सीटेन नंबर है वो क्या है, बढ़ रहा है। ओके, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर बढ़ रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा, पहले तो आपको देखने को मिलेगा यहां से यहां तक ऊर्जा दक्षता है वो बढ़ती चली जाती है। मतलब अगर किसी के अंदर ऑक्टेन नंबर या सीटेन नंबर है वो अगर 10% है, 20% है, तो क्या होगा, ऊर्जा दक्षता हल्के हल्के बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा दक्षता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर किसी का ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर जैसे 40% या 50% को जब क्रॉस करना प्रारंभ करता है तो उसकी ऊर्जा दक्षता में फिर कमी आना प्रारंभ, ऊर्जा दक्षता में क्या होती है, कमी आना प्रारंभ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अगर जैसे जो जो भी प्रीमियम या एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल होता है, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल में आपको 20%, 40%, 30% मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा ऑक्टेन नंबर या फिर सीटेन नंबर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ऊर्जा दक्षता में कमी आने लगती है। लेकिन हम आखिर ऑक्टेन नंबर या सीटेन नंबर है कैसे हम बढ़ाएंगे आखिर, तो देखिए देखिए हम ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो डीजल के अंदर हम क्या करते हैं, डीजल होता है, अगर हमें इसके अंदर सीटेन नंबर को बढ़ाना है तो हम इसके अंदर बायो डीजल मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, इसके अंदर बायो डीजल है वो इसके अंदर मिला देते हैं। बायो डीजल क्या होता है, बायो डीजल हम उसे बोलते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि हम बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मक्का हो गया, इसके अलावा जो अंडी का तेल होता है,
ओके बहुत सारा चीजें होती हैं, उससे हम क्या कर देते हैं, बायोडीजल बना लेते हैं और उसको इसमें मिला देते हैं, ओके। और इसी तरह से हम पेट्रोल के अंदर हम क्या कर लेते हैं, हम इथेन एल्कोहल का उपयोग कर लेते हैं, इथेन एल्कोहल का उपयोग कर लेते हैं, मतलब इथेन एल्कोहल मिला करके हम क्या कर लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं और फिर हम क्या बना देते हैं, प्रीमियम और एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑयल है वो बढ़ा देते हैं, ओके। तो इससे क्या होती है, इसकी दक्षता है वो बढ़ जाती है, इससे क्या होती है, इसकी दक्षता बढ़ जाती है, और दक्षता अगर बढ़ेगी तो पर्यावरण में जो प्रदूषण है वो भी कम होगा, मतलब प्रदूषकों की संख्या भी में भी कमी आएगी। देखिए जैसे मानते हैं कोई पेट्रोल है, ओके पेट्रोल है, उसके अंदर यानी कि एक आपने पेट्रोल खरीदा, उसके अंदर जो खनिज तेल से हमने निकाला था पेट्रोल, उसकी संख्या है मानते हैं 70% है, ओके 70% इसके अंदर क्या है, पेट्रोल है, और हमने उसके अंदर एल्कोहल मिला दिया 30%, ओके। तो इससे क्या हो जाएगा, वो प्रीमियम पेट्रोल बन जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा प्रीमियम बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर इथेन एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 30%। अगर 10% होती, 5% होती, 2% होती, तो हम उसे क्या बोलते, प्रीमियम पेट्रोल बोलते। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा डीजल के अंदर, तो देखिए जो डीजल था मानते हैं 90% क्या हमने मिलाया डीजल, और प्लस हमने ऐड कर दिया बायोडीजल, मानते हैं उसके अंदर 10% हमने बायोडीजल ऐड कर दिया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्रीमियम डीजल बोलेंगे। और एक्स्ट्रा प्रीमियम डीजल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर 60% क्या किया हमने, डीजल मिक्स किया और हमने क्या किया 40% बायोडीजल मिक्स किया, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम बन जाएगा, यानी कि 10 से 15 से ऊपर जब आता है तो वो एक्स्ट्रा प्रीमियम में आने लगता है, ओके। तो देखिए कितने से कितने तक अभी मिलाया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, कितने से कितने परसेंट तक अभी वर्तमान में मिलाया जाता है, तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं वर्तमान में, ये दो लाइनें कहाँ से आ गई, एक्चुअली एक सेकंड रुकिएगा, ओके। तो देखिए वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा कि कितने से कितने परसेंट मिलाया जाता है, तो 5% से लेकर के 25% तक ये मिलाया जाता है, 5% से लेकर के 25% तक बायोडीजल डीजल के अंदर मिलाया जाता है, इथेन एल्कोहल है वो पेट्रोल के अंदर मिला करके हम प्रीमियम और एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल को बना देते हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए ये सारी चीजें कैसे होती है, तो ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर आप लोग समझ गए, यानी कि हम क्या कर देते हैं, हम एक यहाँ पर दूसरे प्रकार के इंग्रेडिएंट को मिला देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, प्रीमियम और एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल बन जाता है। तो देखिए अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कब करनी है, ओके जीवाश्म ईंधन पर, एक्चुअली हमारा ये टैब है थोड़ा सा हैंग कर रहा है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता क्या करनी है, कम करनी है। तो निर्भरता को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है तो इसके लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने होंगे, ये मेंस के क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है और ऐसे में भी इसको पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए नंबर एक हमें जन जागरूकता फैलानी होगी जन समुदाय के अंदर, यानी कि जन समुदाय को हमें क्या करना होगा, नंबर एक जागरूक करना होगा, क्या करना होगा, जागरूक करना होगा कि आप पान खाने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग अपनी कार लेकर के मत जाइए, अगर रेड लाइट आ गई है तो अपनी कार है बाइक है उसको बंद कर दीजिए, ओके। तो हमें क्या करना होगा, जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जागरूक करना होगा, हमें बोलना होगा कि आप पेट्रोल की जगह आप एक्स्ट्रा प्रीमियम है या फिर प्रीमियम पेट्रोल है उसका उपयोग करिए, वो कहेंगे प्रीमियम पेट्रोल और एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है वो महंगा मिलता है लेकिन वो आपके इंजन की आयु को भी तो बढ़ा देता है, आपको जल्दी जल्दी सर्विस नहीं करानी होगी, आपको जल्दी से आपको अपनी गाड़ी चेंज नहीं करनी होगी क्योंकि वो स्मूथली चलेगी, उसकी ऊर्जा दक्षता ज्यादा होगी, वो कम पेट्रोल में थोड़ी सी ज्यादा दूरी तय करेगी, तो बात वही पड़ेगी, अभी आपके लिए थोड़ा सा लग रहा है कि आपको 5 रुपए 10 रुपए महंगा मिल रहा है एक्स्ट्रा प्रीमियम, ओके हो सकता है 2 रुपए 3 रुपए महंगा मिल रहा हो, लेकिन वो आपके इंजन की आयु है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, ऊर्जा दक्षता ज्यादा होने के कारण वो समान पेट्रोल से थोड़ी ज्यादा दूरी तय करती है, ओके। तो जनता को हम जागरूक करेंगे तभी तो वो उसको खरीदना प्रारंभ करेगी, वरना कहेगी हम इसको क्यों खरीदे 3 रुपए महंगा मिल रहा है,
2 रुपया महंगा मिल रहा है, 5 रुपया महंगा मिल रहा है, तो वो उसको नहीं खरीदेगी। तो इसके लिए हमें जनता में जागरूकता को क्या होना, क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? बढ़ाना होगा कि आप भाई प्रीमियम एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल का उपयोग करें। जब आप इस वाहन का उपयोग ना कर रहे हो तो अपने वाहन का उपयोग करते हैं। आप पहले की तरह वाहन नहीं होते हैं। पहले वाहन जब एक बार बंद कर दिया जाता था और स्टार्ट किया जाता था तो वो लगभग 60 सेकंड के बराबर पेट्रोल या डीजल लेता था, लेकिन आजकल के जो इंजन है वो सिर्फ 3 सेकंड के बराबर, 2 से 3 सेकंड गाड़ी आपकी जो होती है वो 2 से 3 सेकंड में जितना पेट्रोल डीजल लेती है, अब इंजन को स्टार्ट करने में उतनी ही ईंधन की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आप किसी रेड लाइट पे खड़े हुए हैं और वहां पर 10 सेकंड से ज्यादा का समय है, 10 सेकंड से ज्यादा का समय है, रुकना है आपको, तो आप अपनी गाड़ी बंद कर दीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा 2 मिनट के लिए रेड लाइट होती है, 1 मिनट के लिए होती है, 30 सेकंड के लिए होती है, तो आप इतनी देर तक इंजन को चालू रखेंगे, सोचेंगे हमें अगर इंजन को स्टार्ट करेंगे तो हमारा 1 से 2 मिनट का तो वैसे ही पेट्रोल डीजल लग जाएगा। लेकिन नहीं, आजकल के इंजन जो आते हैं वो सिर्फ 2 से 3 सेकंड में जितना ईंधन है खपत करते हैं, उतने में ही वो क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, रीस्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं समझना है कि अभी 1 मिनट का समय वैसे भी उतना ही खर्च हो जाना, नहीं, अब उतना खर्च नहीं होता, अब क्या होता है, कम खर्च होता है। ओके, इसके अलावा क्या करना होगा, हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए हमें तकनीकी का विकास करना होगा। क्या करना होगा, तकनीकी का विकास करना होगा। देखिए, तकनीकी का विकास करके हम क्या कर सकते हैं, तकनीकी का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा दक्षता को बढ़ा सकते हैं। हम ऊर्जा दक्षता को बढ़ा सकते हैं, दक्षता को बढ़ा सकते हैं कैसे, हम इंजन है, आपने देखा होगा BS6 BS4, पहले हमारे जो इंजन थे वो BS1 BS2 BS3 ओके, अब BS6 पर जो इंजन है वो डायरेक्ट हम लोग जंप कर गए हैं। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उनकी नई नई पीढ़ियों को लेकर के आ रहे हैं जिनकी ऊर्जा दक्षता ज्यादा है, जो कम ईंधन में भी ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं, जिनकी कैपेसिटी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो तकनीकी का विकास करना होगा, और साथ में हम क्या कर सकते हैं, हम तकनीकी का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा की दक्षता को भी बढ़ा सकते हैं। एक हम क्या कर रहे हैं, मशीन की दक्षता को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा की दक्षता को भी बढ़ा सकते हैं। और ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाने के लिए हमें डीजल के अंदर सीटेन नंबर को बढ़ाना होगा। डीजल है उसके अंदर क्या करना होगा, सीटेन नंबर को बढ़ाना होगा। और उसी तरह से जो डीजल होता है, मतलब सॉरी पेट्रोल होता है, तो जो पेट्रोल होता है उसके अंदर हमें ऑक्टेन नंबर को हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ओके, तो देखिए इससे हमें क्या होगा, यहाँ पर प्रीमियम और एक्स्ट्रा प्रीमियम डीजल, प्रीमियम और आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम डीजल देखने को मिलेगा, और इसी तरह से इधर भी आपको प्रीमियम और एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऊर्जा दक्षता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा सीएनजी गैस का उपयोग कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस का उपयोग कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन वैकल्पिक उपायों पर जाएंगे तो हम जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर सकते हैं ना। देखिए, अगर हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करेंगे तो दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता भी होगी, लेकिन अगर हम वहां पर एक्स्ट्रा प्रीमियम या फिर सीएनजी या प्राकृतिक गैस की ओर अगर हम मूव करेंगे तो जीवाश्म ईंधन पर ना केवल निर्भरता कम होगी बल्कि दूसरे देशों पर हमारी जो निर्भरता है वो भी कम होगी। तो आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं हमारा जो व्यापार संतुलन है वो भी बना रहेगा, और हम कम से कम ईंधन का उपयोग करेंगे, और घरेलू मांग से ही हम क्या कर सकते हैं, घरेलू उत्पादन से ही हम अपनी मांग को पूरा कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे लाभ आपको देखने को मिलेंगे, एक दो लाभ नहीं है, और साथ में पर्यावरण को क्षति भी कम से कम मात्रा में होगी अगर हम जीवाश्म ईंधन की जगह इस प्रकार की चीजों का उपयोग करें। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें सीएनजी, एक नया टॉपिक आया सीएनजी, ओके सीएनजी, ओके, तो देखिए ये सीएनजी क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा लिक्विड फाइड नेचुरल गैस है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको लिक्विड फाइड नेचुरल गैस देखने को मिलेगी। ओके, ये क्या है, एक प्राकृतिक गैस है, क्या है, एक प्राकृतिक गैस आपको देखने को मिलेगी, प्राकृतिक गैस है। देखिए आपको देखने को मिलेगा कि हम इस सीएनजी का उपयोग क्यों करें, हम सीएनजी का उपयोग हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको देखने को मिलेगा इसकी परिवहन लागत है वो आपको कम देखने को मिलेगी। इससे क्या होती है,
परिवहन लागत है अन्य की तुलना में आपको कम देखने को मिलेगी। ओके, परिवहन लागत कम है तो ये सस्ती मात्रा में भी मिलेगी। ओके, और साथ में आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर अशुद्धियां भी कम होती हैं। अशुद्धियां हैं वो कम होती हैं, तो देखिए, और इनके अंदर जो कुछ अशुद्धियां भी पाई जाती हैं उनको हम आसानी से दूर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अशुद्धियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। ओके, अशुद्धियों को आसानी से दूर करके हम क्या कर सकते हैं, ये सीएनजी नहीं, यहाँ पर एलपीजी है, वो सॉरी आपको देखने को मिलेगा एलएनजी है, एलएनजी। ओके, तो एलएनजी है, एलएनजी। ओके, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं अशुद्धियों को दूर करने के लिए, हम इसका जो टेम्परेचर है -160 डिग्री सेल्सियस पर, और साथ में इसके जो प्रेशर को अगर हम बढ़ा देते हैं तो हम इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम इससे सीएनजी प्राप्त कर सकते हैं और साथ में पीएनजी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं, टेम्परेचर को अगर हम कम करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, और प्रेशर को कम करते हैं तो इससे या तो हम सीएनजी गैस प्राप्त कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, और दूसरा क्या है पीएनजी। ओके, जो आपको देखने को मिलेगा प्रेशर को हम बढ़ा करके, तो इसको बोलते हैं प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है एलएनजी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीएनजी में, या फिर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पीएनजी में। ओके, तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसकी अशुद्धियों को दूर करके इसकी ऊर्जा दक्षता को बढ़ा सकते हैं और पर्यावरण के प्रदूषण को भी कम कर सकती है। ओके, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक वेसल्स प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके लिए क्रायोजेनिक प्रोसेस के द्वारा हम इसकी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, अगर हम खनिज तेल की जगह पर हम इसका उपयोग करें, जो आपको देखने को मिलेगा CBM। ओके, CBM की फुल फॉर्म होती है कोल ब्लेडेड मीथेन, कोल ब्लेडेड ओके मीथेन आपको देखने को मिलेगी। देखिए, कोल ब्लेडेड मीथेन क्या है, जो कोयला जहां पर पाया जाता है, तो कोयले की परतों के बीच में यहाँ पर मीथेन गैस है, उसके बहुत बड़े भंडार आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े भंडार देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ये कोयले की परतें हैं इस तरह से। ओके, इन्हीं परतों के बीच में इस तरह से क्या पाया जाता है, यहाँ पर मीथेन गैस के बड़े बड़े भंडार आपको देखने को मिलेंगे, CH4 जिसको बोलते हैं, मीथेन गैस के बड़े बड़े भंडार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो कोयले के खदान, जो कोयले के खदानों में परतों के मध्य में मीथेन गैस का भंडार पाया जाता है, मीथेन गैस का भंडार पाया जाता है, जिसके लिए क्या बोलते हैं हम CBM बोलते हैं, जिसको कोल ब्लेडेड मीथेन के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए, जो ये होता है ये एकदम शुद्ध रूप से मीथेन होता है, मतलब ये 100% क्या है मीथेन आपको देखने को मिलेगी। यानी कि हम इससे एनर्जी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो CH4 है, मतलब जो मीथेन है, अगर हम ऑक्सीजन के साथ में अगर इसकी क्रिया कराए तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जल प्राप्त होगा, प्लस हमें क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, मतलब हमें ऊर्जा मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। तो हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऊष्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक ये भी ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास में बड़े बड़े कोयले के भंडार पाए जाते हैं जहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है। हमारे पास में तेल रिजर्व इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है, लेकिन नेचुरल गैस हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, साथ में CMB गैस है वो भी हमारे पास में पाई जाती है, लेकिन इसके लिए हमें तकनीकी विकास करना होगा और साथ में हमें अपनी उच्च तकनीकी को बढ़ाना होगा, जिससे हम इस संसाधन का भी दोहन कर सकें। ओके, इसके अलावा CBM है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा, अभी हम आपको LNG के बारे में पढ़ाए थे। ओके, और LNG से ही हम क्या बना देते हैं, CNG बना देते हैं, या फिर हम इसी से क्या बना देते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बना देते हैं। तो देखिए, जो PNG जिसको बोलते हैं प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस। ओके, तो देखिए LNG और जो CBM है, ओके, इसके अलावा भी हमारे पास में एक ऑप्शन और है, सेल तेल और सेल गैस का हमारे पास में ऑप्शन है, हम इसका भी हम वैकल्पिक रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक और संसाधन है जिसको बोलते हैं सेल तेल, इसके भी बड़े भंडार आपको भारत में देखने को मिलेंगे, सेल तेल और
सेल गैस। ओके, ये भी हमारे पास में ऑप्शन है। देखिए सेल गैस या फिर सेल तेल है, ये कहाँ पाया जाता है? तो जो अवसादी चट्टाने होती हैं, तो उनके बीच में जो परतें होती हैं, तो अवसादी चट्टानों के बीच में सेल तेल और सेल गैस के बड़े बड़े भंडार आपको देखने को मिलेंगे। ओके, जो परतदार या फिर अवसादी चट्टाने हैं, अवसादी चट्टाने हैं, तो इन चट्टानों में पाया जाता है। तो देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, मानते हैं ये अवसादी चट्टाने, तो इनके बीच में इस तरह से सेल तेल और सेल गैस के भंडार पाए जाते हैं। ओके, और जो ये भंडार आपको देखने को मिलेंगे, जल के स्रोत जहां पर होते हैं उसके पास में आपको देखने को मिलेंगे, जल के स्रोत के पास में, जल के स्रोतों के समीप, स्रोतों के समीप वर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा। आखिर देखिए ये क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा कार्बनिक पदार्थ का बैक्टीरिया के द्वारा, कार्बनिक पदार्थों का एक्चुअली ये वाला क्यों नहीं मिट रहा है, इसको कुछ हो गया है, एक मिनट दोबारा से लिख देते हैं, कभी कभार ये हैंग कर जाता है। कार्बनिक पदार्थों का बैक्टीरिया के द्वारा विघटन के कारण जो सेल तेल या गैस का निर्माण होता है, ओके, तो इसका उपयोग भी हम क्या कर सकते हैं, हम खनिज तेल जो है उसके विकल्प के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पर्यावरण की दृष्टि से आपको देखने को मिलेगा कम हानिकारक है, और साथ में इसके भंडारे वो भारत के पास भी पाए जाते हैं, लेकिन इसकी दोहन के लिए हमें उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये परतों के बहुत अंदर गहराई में पाए जाते हैं, तो उस प्रकार की टेक्नोलॉजी है वो अभी हमारे पास में नहीं है। ओके, तो इसके तकनीक का विकास हमें करना होगा। देखिए जैसे जैसे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ओके, उनका कार्बनिक विघटन होता है, कार्बनिक पदार्थ हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इससे क्या बनता है, जीवाश्म ईंधन बनता है। ओके, तो जैसे कि हम पहले ही बताए थे, जैसे कि अगर वृक्ष हैं, मतलब पौधे हैं, तो अगर वृक्ष हैं, अगर वो कन्वर्ट होते हैं तो उससे बनता है कोयला बनता है। ओके, और अगर आपको देखने को मिलेगा यही जो जीवाश्म ईंधन है, इसमें जीव जंतु हैं, तो जीव जंतुओं के अवशेष से, जीवाश्म से जो ईंधन प्राप्त होता है उससे क्या बनता है, गैस या फिर तेल बनता है। यानी कि जो सेल गैस है और जो सेल तेल है वो भी क्या है, जीवों का यानी कि जीव जंतुओं का ही एक अवशेष आपको देखने को मिलेगा, जिसको जीवाश्म ईंधन के रूप में हम जानते हैं। देखिए ये देखिए किस तरह से और कहां पर पाया जाता है, देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार में पढ़ाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर देखिए, अभी हमारा कंप्यूटर बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, अभी चल नहीं रहे, एक सेकंड रुक जाइए, इसको क्या हो गया, ओके अभी चलने लगा है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कहाँ पर और किस तरह से पाया जाता है, तो मानते हैं क्या है, इस तरह से एक स्थल है। ओके, ये क्या है, इस तरह से एक स्थल है, एक्चुअली हमारा भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, थोड़ा हैंग कर गया है, ये कुछ लिख नहीं रहे,
वैसे समय भी कंप्लीट होने वाला है, लेकिन हमारा अभी कंप्यूटर हैंग कर गया, ये थोड़ा चल नहीं रहा है। अभी हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग कर गया है, तो आज क्लास से यहाँ पर ही ओवर करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिख नहीं पाएंगे तो आपको आगे पढ़ा नहीं पाएंगे। तो कल से हम लोग सेल गैस और सेल तेल है, यहाँ से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको साविस्तार में इसके बारे में पढ़ाएंगे। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर बाद में हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे और कल आपके एनर्जी टॉपिक है वो आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, और आपको मैपिंग जो बताया गया है, तो आपको मैपिंग में एक बार आपको लोकेट करना है, जो आपको चार मैप बताए गए हैं वो चार के चारों मैप आपको एक बार एटलस में जाकर के खोजना है, या फिर आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, तो गूगल पर भी आपको आराम से मैप मिल जाएगा। विश्व में भी आपको ढूंढना है और भारत के अंदर भी आपको ढूंढना है। ओके, तो विश्व में अगर आप लोग देखते हैं तो आपको मोटा मोटा देखना है, लेकिन अगर आप लोग भारत का अध्ययन कर रहे हैं तो भारत में आपको थोड़ा सा डीप में देखना है कि कहाँ कहाँ पर, किस पठार पर, किस पर्वत पर, किस घाटी में पाया जाता है। ओके, तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर ही ओवर करते हैं, और ये तो काम कर नहीं रहे तो माउस से ही हमको करना पड़ेगा। पेन टैब है वो थोड़ा सा हैंग कर गया, उसमें कुछ हो गया। लगता है आज क्लास भी ओवर नहीं होगी।